Hello friends, and welcome to VFX 5 once again. सबसे पहले तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं ऑलमोस्ट एक महीने के बाद वीडियो बना रहा हूँ. हमेशा की तरह मेरा इस बार का भी एक्सक्यूज यही रहेगा कि मैं बिजी था काम में, बट सीरियसली आई वॉज बिजी विद वर्क एंड कुछ ट्रैवलिंग थी मेरी, जिसकी वजह से मैं बिजी था, मैं बना नहीं पाया. मैं आगे कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो कंटिन्यू कर पाऊँ. जैसा आप सबको पता है कि हमारा ऑन गोइंग सीरीज जो चल रहा है किंग सीरीज़, मैं उस पर काम कर रहा हूँ अभी. बट कुछ तो वीडियो डालना था, तो मैं एक सजेस्टेड या यू बोल रहे रिक्वेस्टेड टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो कि एक मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट करी है. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक रहेगा वो है कि अगर किसी भी फुटेज में या किसी भी इमेज में हम लोग को हीट हेज बनाना हो तो कैसे बनाएंगे. बेसिकली हीट हेज होती क्या है, जब भी आप बहुत ही हॉट वेदर हो, मतलब बहुत ही गर्मी हो, और ऐसे किसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे दूर दूर तो कोई नहीं दिख रहा है, जैसे अभी इस इमेज में हम देख पा रहे हैं, तो होता क्या है, ड्यू टू हीट आपको थोड़ी दूर के बाद उसको क्या होता है, आपको डिस्टॉर्शन दिखती है, ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा ऊपर की तरफ उठ रहा है, हीट वेव्स उठ रही हैं, जिसको हम लोग मिराज बोलते हैं. तो मिराज इफेक्ट अगर बनाना हो हम लोग को न्यूक में, तो किस तरीके से बनाएंगे. ओके, सो मैंने एक इमेज डाउनलोड की है जो थोड़ा सा ब्लूइश टोन में था, तो मैंने रिफॉर्मेट किया थोड़ा 96540 पे, और ग्रेड किया थोड़ा सा, एक येलोइश या ऑरेंजिश लुक एंड फील दिया मैंने उसको यहाँ पे, राइट. मेन जो चीज़ करनी है हम लोग को, इसको ऐसा दिखाना है कि इमेज यहाँ से डिस्टॉर्ट हो रही है, राइट. उसके लिए क्या करेंगे, मैं ले रहा हूँ एक टोन जिसका नाम है नॉइस, क्योंकि हमें बेसिकली एक पैटर्न बनाना पड़ेगा कि उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही हमारा डिस्टॉर्शन होगा. सो पैटर्न बनाने के लिए क्या करता हूँ, नॉइस में मैं स्केलिंग कम करता हूँ ऑलमोस्ट इतनी, और फर्स्ट फ्रेम पे जाके जेड एक्सिस को ध्यान देना, जेड एक्सिस को सेट की करता हूँ, और लास्ट फ्रेम पे जाने के बाद ऑलमोस्ट कुछ 2 और 3 तक मैं एनिमेट करता हूँ. ये डिसाइड करेगा आपका हीट हेज का या मिराज का स्पीड. अगर आपको स्पीड ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ पे वैल्यू बढ़ा देंगे, अगर स्पीड कम चाहिए तो यहाँ पे वैल्यू कम रखेंगे, राइट. अब मेन चीज़ क्या करेंगे, किसी भी तरीके से इस इंफॉर्मेशन को मेरे को इस स्ट्रीम में लेके आना है. तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट टेक अ कॉपी नोड, और कॉपी नोड को मैं इस तरीके से ऐड करूँगा, ठीक है. और कॉपी नोड में सिंपल हम इंफॉर्मेशन को कॉपी नहीं करेंगे, मैं करूँगा आई वॉन्ट टू कॉपी रेड नॉट इन अल्फा, आई वॉन्ट टू कॉपी दैट थिंग इन फॉरवर्ड यू. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, फॉरवर्ड चैनल में हम लोग को कॉपी करना है नॉइज की इंफॉर्मेशन. तो अगर आप यहाँ पे मैं आपको फॉरवर्ड की इंफॉर्मेशन दिखाऊँ, तो यू विल फाइंड दिस थिंग जो कि ऐसे एनिमेट हो रही है, राइट. अब उसके बाद क्या करना है, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोड लेना है जिसका नाम है आई डिस्टॉर्ट, ठीक है. आई डिस्टॉर्ट नोड लगाएंगे, और यहाँ पे मैं इसको 1 करता हूँ. आई डिस्टॉर्ट नोड में व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सेलेक्ट यूवी चैनल एज फॉरवर्ड, ठीक है. फॉरवर्ड में आप रखेंगे यूवी चैनल को, और अगर आप प्ले करके देखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा ऐसे, राइट. क्यों, क्योंकि व्हाट वी हैव टू डू, हम लोग को थोड़ा सा यूवी ऑफसेट और यूवी स्केलिंग से प्ले करना पड़ेगा. जैसे मैंने यूवी ऑफसेट और यूवी स्केल चेंज किया, यू आर फाइंडिंग कि समथिंग डिस्टॉर्ट हुआ है, राइट. तो अब क्या करेंगे, हम देखते हैं प्ले करके हम लोग को कैसा रिजल्ट मिल रहा है. इफ़ आई प्ले, आप देखेंगे एग्जैक्टली हम लोग को वैसा ही इफेक्ट मिल रहा है जैसा हम लोग को चाहिए, राइट. इफ यू कैन सी, राइट. तो अभी मेरे को लगता है कि थोड़ा सा पैटर्न मेरा और छोटा होना चाहिए प्रोबेबली, या थोड़ा बड़ा होना चाहिए, टोटली अप टू यू कितना चाहिए आपको. और मेरे को ये भी चाहिए कि जो स्पीड है वो थोड़ी फास्ट होनी चाहिए, तो हम यहाँ से चेंज कर लेंगे. और साथ के साथ आप चाहें थोड़ा सा कंट्रास्टी लुक दे सकते हैं,
ठीक है, अब देखो ये चेंजेस करने के बाद व्हाट आई कैन सी, सी इस तरीके का आपको इफेक्ट मिलने लगेगा। सो बहुत ही अच्छे तरीके से आपने हीट इफेक्ट या हीट वेव का इफेक्ट बना लिया। अगर मैं यहाँ से पूरा एक बार बफर करके दिखाऊं आपको तो यू विल फाइंड कि एग्जैक्टली यू आर गेटिंग अ हीट वेव और हीट हेज काइंड ऑफ और मिराज काइंड ऑफ इफेक्ट। सी बट मेजर प्रॉब्लम क्या है, मेरे को इधर नहीं चाहिए और ऊपर नहीं चाहिए, मेरे को इस एरिया में ही रिस्ट्रिक्ट करना है, या इस एरिया में अगर मैं बोलूँ कि इस एरिया में मेरे को रिस्ट्रिक्ट करना है हीट हेज, तो बहुत आसान है। किस तरीके से कर सकते हैं हम लोग, प्रोबेबली अगर आप चाहें तो एक मास्क ले सकते हैं रोटो नोड, और इधर यू कैन डायरेक्टली डू दिस, आप यहाँ से बनाएं और इसको इसमें मास्क कर दें, ठीक है, और चाहें तो इसको थोड़ा सा फेदर कर देंगे, फेदर्ड वे में ये थोड़ा सा इफेक्टिव हो, एंड इफ विल सी नाउ इधर कोई इफेक्ट नहीं होगा, इधर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, बट इधर इफेक्टिव होगा, राइट। If you can see, let it buffer one more time. See, आप इससे बहुत सारी चीज़ों पे वर्कआउट कर सकते हैं, जैसे आपको चाहिए कि थोड़ा सा फेदर्ड भी हो मेरा जो पैटर्न है तो बहुत आसान है, जस्ट यू कैन गो टू नॉइज एंड आप एक ब्लर नोड ले सकते हैं एंड जस्ट फेदर इट आउट, ठीक है, अ बिट, जैसे मैं वन कर देता हूँ साइज, तो हल्का सा फेदर्ड और स्मूद हो गया, तो आपका जो ये मिराज होगा वो भी बहुत उस तरीके से स्मूद होएगा। सी सो इट्स टोटली अप टू यू, अगर आप इस तरीके से बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, अगर आप पार्टिकल्स के हेल्प से बनाना चाहते हैं मैप तो वो भी बना सकते हैं, पार्टिकल पे वर्कआउट करके आप डायरेक्टली आई डिस्टॉर्ट में उसको भी फॉरवर्ड चैनल में कॉपी करके आप अपना काम कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। सो आई गेस एक छोटा सा ये ट्यूटोरियल बहुत यूज़फुल रहेगा आप लोगों के लिए, स्पेशली जिस मेरे फ्रेंड ने रिक्वेस्ट करी है अभिषेक ने, तो ऑब्वियस उसके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। सो आई गेस आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा, और अब हमारे जो किंग सीरीज़ का टॉपिक था वो कंटिन्यू मैं करूँगा, प्रोबेबली मैं इसी हफ्ते में एक वीडियो और डालूँगा जो किंग सीरीज़ का अपना कंटिन्यूएशन में रहेगा। तो विद दिस सेड, अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें इन फ्यूचर ऐसे वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिल सके। विद दिस सेड, दिस इज़ वेफिक्स वाइब साइनिंग ऑफ, हैव अ गुड डे।